दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल नागियास लर्निंग अड्डा पर। आज की इस क्लास में फिर हम बात करेंगे ईडियम्स की, और ये रहेगा ईडियम्स का पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में आज कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट ईडियम्स अपन जानेंगे, और यहाँ पर अपन लिख लेते हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, एंड फ्रेजेस, ईडियम्स एंड फ्रेजेस का ये है पार्ट नंबर थर्ड। इसमें आज मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ और ईडियम्स, जिसमें हमारा फर्स्ट ईडियम है ब्लाइंड एज बैट। पहला क्या है? ब्लाइंड एज बैट। बैट होता है चमगादड़। ब्लाइंड एज बैट होता है बैड आई साइट, बैड आई साइट, बैड आई साइट को अपन बोलते हैं ब्लाइंड एज बैड। इसी तरह हमारा दूसरा क्वेश्चन है ब्रेक अ लेग। क्या है? ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग होता है विशिंग गुड लक, विशिंग गुड लक, विशिंग गुड लक, इसको बोलते हैं ब्रेक अ लेग। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बनता है हिट द सी। क्या है? हिट द सेक। हिट द सेक को हम बोलते हैं गो टू स्लिप, गो टू स्लिप। हिट द सेक मीन्स गो टू स्लिप, इट मीन्स सोने जाना। और नंबर फोर इडियम से हमारा ऑन द बॉल, ऑन द बॉल, ऑन द बॉल होता है डूइंग गुड जॉब। क्या होगा इसमें? डूइंग गुड जॉब, अच्छा काम करना। और उसके बाद हमारा इसमें पांचवा है टू गेट, टू गेट बेंट आउट, बेंट आउट ऑफ शेप, बेंट आउट ऑफ शेप, ये होता है टू गेट अपसेट, टू गेट अपसेट मतलब उदास होना, परेशान होना। नंबर सिक्स है ऑन थिन आइस, ऑन, ऑन थिन आइस। ऑन थिन आइस क्या होता है? ऑन प्रोबेशन, ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन का मतलब होता है अस्थायी तौर पर, ऑन प्रोबेशन। और सेवन नंबर पे हमारे पास क्वेश्चन है पे डेविल्स, पे डेविल्स, पे डेविल्स एडवोकेट, एडवोकेट, पे डेविल्स एडवोकेट का अर्थ क्या होगा? टू आर्ग्यू द पॉसिबल, टू आर्ग्यू द पॉसिबल, टू आर्ग्यू द पॉसिबल मतलब संभव तर्क करना, हर संभव तर्क करना, टू पे डेविल्स एडवोकेट। उसके बाद है द एलिफेंट इन द रूम, एट्थ नंबर पे है द एलिफेंट इन द रूम। द एलिफेंट इन द रूम का अर्थ होता है ए बिग इशू, एक बड़ा मुद्दा जो होता है उसको अपन बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम। और नाइन नंबर पे हमारा क्वेश्चन है एज राइट एज रेन। क्या क्वेश्चन होगा? एज राइट एज रेन, एज राइट एज रेन का मतलब होगा परफेक्ट, कोई चीज जो उपयुक्त है उसको अपन बोलेंगे एज राइट, एज राइट एज रेन। और इसमें हमारा लास्ट का है आज का क्वेश्चन बर्न ब्रिज, बर्न ब्रिज, बर्न ब्रिज क्या होगा? बर्न ब्रिज का अर्थ होता है ब्रेक रिलेशनशिप, ब्रेक रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, रिश्तों को तोड़ना, बर्न ब्रिज होता है। तो पहला है ब्लाइंड एज बैट, इसको बोलते हैं बैड आई साइट, बुरी बुरी नजर नहीं कह सकते, कमजोर आई साइट को बोलते हैं। ब्रेक लेग होता है विशिंग गुड लक, और हिट द सेक होता है गो टू स्लीप, ऑन द बॉल होता है डूइंग गुड जॉब, टू गेट बेंट आउट ऑफ शेप होता है टू गेट अपसेट, और ऑन थिन आइस होता है ऑन प्रोबेशन, और पे डेविल्स एडवोकेट होता है टू आर्ग्यू द पॉसिबल, द एलिफेंट ऑन द रूम इन द रूम होता है ए बिग इशू, और एज राइट एज रेन होता है परफेक्ट, बर्न ब्रिज क्या होता है? ब्रेक रिलेशनशिप यानी कि रिश्ते तोड़ना। तो इस तरह से ये क्लास नंबर तीन एडियम्स की, एडियम्स एंड फ्रेजेस, इस तरह से अपन थोड़े थोड़े एडियम्स हर क्लास में पढ़ते रहेंगे, और ये सारे आपके लिए सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जहाँ इंग्लिश आती है, जहाँ वोकेबलरी आती है, वहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो एंजॉय कीजिए वीडियो को, पसंद आए तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। अगली क्लास में फिर मिलते हैं, नमस्कार।